Hello students, a warm welcome to the second part of chapter Microorganism, Friend and Foe, Class 8, Science and Technology. In this chapter, we are going to discuss about the harmful microorganism. Some of the microorganism causes disease in human and animals, some other causes disease in plants, and some spoil food, cloth, and leather, etc. Disease-causing microorganisms are also called पैथोजन व्हाट आई सेड जो बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं पैथोजन्स इफ वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ह्यूमंस हाउ द पैथोजन एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी इट मे बी बाय द एयर ही रेस्पायर बाय द वाटर ही ड्रिंक बाय द फूड ही ईट इट मे बी ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन There may be a chance that there may be some carrier who can take the pathogen into the human body. If we discuss about the type of disease in human, there are two broad categories. First one is communicable, the other one is non-communicable. Communicable are the one which spread from infected person to healthy person. Non-communicable are one which do not spread from infected person to healthy person. Common cold, chicken pox, tuberculosis are the example of communicable disease. Heart disease, cancer are the examples of non-communicable disease. Common cold is an example of communicable disease. But when we sneeze, it spread thousands of viruses in the air, which may enter in the body of healthy person. So we must keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं communicable और non-communicable disease की. Common cold एक communicable disease है. ये एक person से दूसरी person में फैलती है. यदि हम छींकते हैं तो हम common cold के हजारों virus को air में फैला देते हैं. और ये वायरस हेल्दी पर्सन में जाते हैं और उन्हें भी बीमार कर सकते हैं तो इसलिए हमें छींकते समय हमेशा अपने मुंह को एक रुमाल की मदद से ढकना चाहिए सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या पैथोजन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं बीमारी को फैलाने के लिए यहाँ पर देखिए ये स्मॉल फ्लाई इट्स लुक स्मॉल बट इट इज वेरी हार्मफुल हाउ इट इज हार्मफुल ये क्या कर रही है ये फ्लाई जा रही है गार्बेज के हिप पर ठीक है एक डस्टबिन के ऊपर और ये फ्लाई कैरी कर रही है अपने साथ बहुत सारे पैथोजन और उसके बाद ये पैथोजन को कहाँ ले जा रही है अनकवर्ड फूड पे ठीक है और देर में भी ए चांस कि वो अनकवर्ड फूड किसी के खाने का हिस्सा है उसको कोई खा रहा है तो अल्टीमेटली ये फ्लाई क्या कर रही है डस्टबिन से पैथोजन को उसकी प्लेट तक ले जा रही है फूड प्लेट तक और वो फूड से कहाँ जा रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर ठीक है लेट अस सी हियर फ्लाई सिट ऑन द garbage and animal excreta pathogen stick to their bodies when they sit on the uncovered food they may transfer the pathogen whoever eat the contaminated food is likely to get sick jo bhi us bhojan ko khayega uske bimar hone ke chances honge let's discuss something about malaria and dengue malaria is caused by plasmodium vivax a protozoa while dengue is caused by dengue virus. These both pathogens have the carriers. Plasmodium vivax have a carrier named female Anopheles mosquito, while the carrier of dengue virus is female Aedes mosquito. यहाँ देखिए किस तरह से एक normal Aedes mosquito infection फैलाता है dengue का. यह healthy mosquito जब एक infected person को bite करता है तो इसकी मिल में आ जाता है ब्लड जिसमें डेंगू वायरस है अब यदि ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो अब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो उस हेल्दी पर्सन में
डेंगू का वायरस इंजेक्ट कर देगा और वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस स्प्रेड को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखते हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर लाइक द वाटर कलेक्टेड इन कूलर टायर एंड फ्लावर पॉट। ठीक है, तो बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई अप, ठीक है, कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। क्या करना होगा हमें, क्योंकि ये सारे के सारे मॉस्किटोज कहाँ ब्रीड करते हैं, खड़े हुए पानी में। ठीक है, तो यदि हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रखेंगे तो ये मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर पाएंगे, और मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। लेट डिस्कस सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है। फर्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, मीन्स ए कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। द ट्यूबरकुलोसिस डिजीज देयर इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। सी हेयर हाउ ए पर्सन लुक लाइक्स व्हेन ही वॉज इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। द सेकेंड वन इज मीजल्स। इट इज ए वायरल डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। एट वन स्टेज ऑफ मीजल्स देर आर लॉट ऑफ पिंकिश स्पॉट ऑन द बॉडी। द थर्ड वन इज चिकन पॉक्स। दिस इज अगेन ए वायरल डिजीज कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय एयर और बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सी हाउ ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। द फोर्थ वन इज पोलियो। दिस इज ए वायरल डिजीज अगेन कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड बाय एयर और बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दिस इफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ द पेशेंट। सी दिस चाइल्ड अनेबल टू वॉक बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पोलियो। सो वट वी कैन डू, हाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड, क्या किया जा सकता है। सबसे पहला क्या, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। क्या है सबसे पहला, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। नंबर दो पर कीप द पर्सनल बिलोंगिंग सेपरेट। ठीक है, उस इन्फेक्टेड पर्सन की बिलोंगिंग को अलग रखा जाए। द थर्ड वन इज वैक्सीनेशन। बीमार होने से पहले चाइल्डहुड में जो वैक्सीनेशन होती हैं वो करवानी चाहिए ताकि ये बीमारियां ना हो। लेट डिस्कस सम मोर ह्यूमन डिजीज। फर्स्ट इज कॉलेरा। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर एंड फूड। इन इट देयर इज एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। द अनदर वन इज टाइफाइड। इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज अगेन। इट इज ट्रांसमिटेड बाय वाटर। इन इट देयर इज अ हाई फीवर, हेडेक एटसेट्रा। हाउ वी कैन प्रिवेंट दीज, वी मेंटेन टू पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल साफ सफाई रखना जरूरी है। यूज प्रॉपर कुक्ड फूड, पूरा पका हुआ भोजन खाना जरूरी है। यूज बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी पीना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द वैक्सीनेशन। अदर डिजीज हेपेटाइटिस ए, इसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं, हिंदी में इसको पीलिया भी कहा जाता है। इट इज ए वायरल डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर। सी हेयर किस तरह से एक व्यक्ति का चेहरा, बॉडी और आईज येलोइश हो जाती हैं इस जॉन्डिस में या हेपेटाइटिस ए में। इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। द अनदर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज मलेरिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ। ठीक है, और नाम क्या उस प्रोटोजोआ का, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया इसको, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अ कैरियर मॉस्किटो। विच मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो। क्या होता है इसमें, फीवर्स, चिल्स और स्वेटिंग। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। लेट डिस्कस अबाउट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एंथ्रेक्स, इट इज ए डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बट द बैक्टीरिया ऑफ एंथ्रेक्स
On one hand, it can infect the cattle, but it can also affect the human. In the cattle, it causes serious defects, and in case of human, it gives the blisters. Again, the other disease is foot and mouth disease of cattle. This causes blister in the foot and there are the sores in the mouth. For the small animals, for small cattle, it causes the death. Now we are going to discuss disease causing microorganisms in plant. The first disease we are going to discuss is citrus cankers. This is a disease of citrus fruit like orange, lemon, etc. This disease is caused by bacteria. Mode of transmission is air. See here how there are brown spots on the leaf and the fruit of citrus plant. This is the another disease, rust of wheat. It is caused by fungus and mode of transmission is air and infected seeds. See here how the spores of fungus are like powder on the leaf. It reduces the yield of the crop. The third one is yellow vein mosaic of bhindi. Yellow vein mosaic of bhindi is caused by virus. Mode of transmission is insect. Symptoms is all the veins become yellow. See here, you can see all the veins are yellow. In this slide, we have discussed the harmful microorganism with reference to disease caused by the microorganisms in human, animal, and plants. Hope you understand it well. In the next video, we are going to discuss about the other effects of microorganism, food preservation, and nitrogen cycle. Dear students, I am trying my best for your learning through this slideshow. Please write your comments in the comments box. If you want to subscribe the channel, you can subscribe it, but like the video and share it.